नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। ये डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। आधार से लिंक होंगे वोटर कार्ड। जी हाँ, अब आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक होंगे। क्या ये सभी के लिए अनिवार्य है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ब्रेक फेल होने की वजह से दूसरे ट्रक को मारी टक्कर। जी हाँ, एक ट्रक की ब्रेक फेल हो गई जिसने कि दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। इस दौरान क्या कुछ हुआ, कितना नुकसान हुआ है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ऊना जिला में 7 लोगों के झील में डूबने की घटना। जी हाँ, ऊना जिला में गोविंद सागर झील में 7 लोगों के झील में डूबने का हादसा पेश आया है। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। हिमाचल में हमीरपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल PG कॉलेज में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। PG कॉलेज में प्रथम वर्ष में एडमिशन की तारीख को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अंजुमता सहगल ने कहा कि HP यूनिवर्सिटी ने BA BSc BCom प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने की अंतिम तिथि 5 अगस्त कर दी है। इसी आधार पर यहां भी अपने एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्नातक प्रथम वर्ष के लिए 5 अगस्त अंतिम तिथि कर दी गई है। केंद्रीय युवा आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल में आधार नंबर को वोटर कार्ड के साथ लिंक करने की मुहिम आज से शुरू हो गई है। सभी जिलों में अगले 243 दिन यानी कि 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को हर मतदाता के वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा। ये मुहिम स्वैच्छिक होगी। जो व्यक्ति आधार को वोटर कार्ड से लिंक नहीं करना चाहेगा वह ऐसा करने में स्वतंत्र होगा। आधार नंबर लिंक नहीं करने वाले व्यक्ति के पास भी मताधिकार के अधिकार पहले की तरह रहेगा। हिमाचल के मंडी में कुल्लू NH पर द्वाड़ा में ब्यास नदी का जलस्तर घटने के बाद यातायात बहाल हो गया है। प्रशासन द्वारा इस मार्ग पर यात्रियों की सावधानियां बरतने की हिदायत उनको दी जा रही है। साथ ही बारिश के मौसम में इस मार्ग पर यात्रा से बचने को कहा गया है। बता दें कि बीते रविवार को ब्यास नदी का एक जलस्तर बढ़ने से द्वाड़ा के पास नदी का पानी सड़क तक पहुंच गया था। एहतियातन जिला प्रशासन ने यातायात आवाजाही को जो था वो रोक दिया था। हिमाचल में सोलन के परवाणु में NH पर TTR के पास ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक दूसरे ट्रक से जा टकराया, जिसकी वजह से वह ट्रक सड़क पर पलट गया। हालांकि घटना में किसी को भी चोट नहीं आई है, लेकिन हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 5 पर TTR के पास एक सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़ा ट्रक पलट गया। ट्रक के रोड पर पलट जाने से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सड़कों की बदहाली, कानून व्यवस्था, कर्मचारियों से संबंधित और अन्य मुद्दे गूंजेंगे। खनन, पेयजल व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसलों को भी विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से भी अपने क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से जुड़े कई प्रश्न किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा सचिवालय को 367 प्रश्न मिल चुके हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 29 जुलाई तय हुई थी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक 4 दिन के लिए चलेगा। हिमाचल के शिमला स्थित रामपुर में अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय ने BSc नर्सिंग के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत BSc पोस्ट बेसिक, BSc MSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और B Pharma विषय शामिल हैं। आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए की जा रही है। इन विषयों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी समय पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 से 15 अगस्त तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई बारिश के चलते चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। घाटी के NH समेत स्टेट हाईवे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ संपर्क मार्गों को बहाल करने का कार्य सोमवार को BRO लोक निर्माण विभाग और प्रशासन ने शुरू कर दिया है। खासकर कुकसर काजमार्ग में दर्जनों वाहन फंसे होने के चलते इस मार्ग को बहाल करने का कार्य तेज कर दिया गया है ताकि फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित निकाला जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के चंबा विधानसभा क्षेत्र के साहू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साहू में अब तहसील खोलने को के संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंबा जिला को आकांक्षी जिला घोषित किया है ताकि जिला की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त
धनराशि सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पूर्णता से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला चंबा में निर्माणाधीन पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा का दौरा किया और इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निष्पादन एजेंसियों को इस परियोजना का निर्माण समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण 507.60 करोड़ रूपए की लागत से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस परियोजना के प्रथम चरण को इस वर्ष सितम्बर महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिला के अंदरौली में गोविंद सागर झील में 7 लोगों के डूबने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सभी डूबने वाले लोगों के शव गोताखोरों द्वारा निकाल लिए गए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।